हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आए हो बच्चे होंगे और अच्छे ही रहें। तो गाइस, अगर वीडियो देखते रहिए, हम आपसे बात करने वाले हैं अभी पिछले कुछ दिनों में जो भी टैक्स रिलेटेड न्यूज़ आई है और जो भी टैक्स रिलेटेड हुआ है उनको लेके। तो ये हमारा होने वाला है टेक टॉक्स का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में एपिसोड नंबर 1 की लिंक आ रही होगी, आप उस पर टच करके सिंपली एपिसोड नंबर 1 देख सकते हो। बहुत अमेजिंग सा रहता है, अगर आपको देखना है तो पूरा देख सकते हो, पिछले वाला हमारा एपिसोड भी देख सकते हो। तो ये हमारा नया एपिसोड है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मैं हूँ अक्षत और आप देख रहे हैं फ्रेश टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला अपडेट निकल के आता है वो आता है हुआवे का नया फ़ोन जो आने वाला है क्रीम 9000 प्रोसेसर के साथ, और इसका कुछ रेंडर भी निकल के आया हुआ है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें सिंपली सिर्फ पूरा सैमसंग फोल्ड जैसा है, बस जो पंच होल कैमरा है वो फोटोशॉप से फोटोशॉप करके पंच होल कैमरा उसमें लगा दिया है, बाकी पूरा सेम टू सेम सैमसंग जैसा है देखने को देखकर मिल रहा है अपन को। पर अब देखते हैं कि जब ये लॉन्च होगा कि हमें क्या स्पेक्स और किस प्राइस रेंज पे ये मिलेगा। वैसे तो ये शायद ही इंडिया में आए, मतलब आना ना ही लग रहा है इसको इंडिया में। तो आगे देखते हैं इसका क्या रहने वाला है और क्या होगा। तो गाइस, अगला अपडेट निकल के आता है न्यूक्लियर रॉकेट के लिए। तो न्यूक्लियर रॉकेट कुछ रूट्स पहुंचा सकते हैं ओनली सिर्फ 3 महीने में मार्स के ऊपर, मतलब लेके जा सकते हैं सिर्फ 3 महीने लगेंगे मार्स तक जाने में। और आगे देखते हैं कि इंसान कब तक मार्स को पहुंच जाता है, जैसे इंसान खुद पहुँचता है कब तक, ये हम आगे कब देखने को हमें मिलता है। गाइस, अगला अपडेट निकल के आता है पबजी को लेके। तो खबर कुछ दो है, तो मैं पहले वाली सुना देता हूँ। पबजी लाइट में अपडेट आ चुका है नया वाला विंटर को लेके, जिसमें आपको विंटर कैसल और अलग अलग और भी थीम देखने को मिल जाएगी। पर खेल आप इंडिया में हो तो उसे आप अभी नहीं खेल सकते। और सेकंड जो अपडेट निकल के आती है वो आती है पबजी लवर्स के लिए, जो थोड़ी खुशखबरी हो सकती है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पबजी कुछ ना आने के आसार पे है, पर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर लगने लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। और अभी क्या हुआ है कि कुछ दिनों पहले से कुछ लोगों को अपने आप उनके प्ले स्टोर पर देखने को मिल रहा है। कहीं आप भी सर्च करके देखो कि आपके प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है पबजी इंडिया, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके प्ले स्टोर पे पबजी इंडिया देखने को मिल रहा है और वो उसे डाउनलोड भी कर पा रहे हैं। तो आप अपना प्ले स्टोर चेक कर लो कि आपके पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैंने उसे चेक करा, मेरे पे नहीं मिल रहा है। वैसे बहुत अच्छी है, मेरे को लगता है कि गेम बहुत जल्दी आ सकता है। वैसे चांसेस तो थोड़े थोड़े मुझे भी कम लग रहे हैं, पर आ जाना चाहिए, बहुत अच्छा गेम है। अगला अपडेट हमारा निकल के आता है गूगल की तरफ से, और गूगल के अपडेट के बाद गूगल कुछ और थोड़ी मेहनत करने के बाद कुछ और डेवलपमेंट उनके सर्च इंजन में कर रहा है, जिसमें अगर आप किसी वेबसाइट या फिर कोई भी चीज़ के बारे में सर्च करोगे तो थोड़ा ज़्यादा कंटेंट आपको उसके बारे में देखने को मिलेगा, जिससे आपकी थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति बढ़ जाएगी। तो गूगल को यूज़ करने में और मज़ा आएगा। तो अगला अपडेट निकल के आता है हमारा ओप्पो की तरफ से, और कुछ 3 फ़ोन लीक्स हुए हैं जिनका नाम है ओप्पो फाइंड एक्स 3 लाइट, ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो और ओप्पो फाइंड एक्स 3 नियॉन, जिसमें एक रहने वाला है फ्लैट स्क्रीन के साथ और बाकी के जो दो हैं वो रहने वाले हैं कर्व्ड स्क्रीन के साथ। जो ओप्पो फाइंड एक्स थ्री लाइट है वो आपको देखने को मिलेगा फ्लैट स्क्रीन के साथ और बाकी दोनों कर्व्ड स्क्रीन के साथ। तो आगे देखते हैं हम ये कब तक हमें इंडिया में और क्या स्पेक्स के साथ लॉन्च होते हुए दिखते हैं, बाकी जब भी लॉन्च होंगे मैं आपको इसके अपडेट दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखना, ताकि जो भी हमारे तो चैनल पे कंटेंट आता रहता है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। वो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है टिकटॉक की तरफ से। तो टिकटॉक को भी लेके 2 अपडेट हैं। पहला तो ये है कि जो टिकटॉक है उसने ऑफिशियली अपना एक और ऐप एंड्रॉयड टीवी के ऊपर लॉन्च कर दिया है। तो जो अब लोग मोबाइल को लेके अपना जीवन व्यर्थ करते थे वो अब टीवी पे भी व्यर्थ कर पाएंगे। वैसे तो वो इंसान ही व्यर्थी हैं जो इसमें अपना टाइम व्यर्थ करते हैं। और सेकंड जो अपडेट है वो है कि जो आप देख ही रहे थे कि जो टिकटॉक अपना सारा समेटा भर के और इंडिया से जा रहा था, तो इंस्टाग्राम पे टिकटॉक ने एक पोस्ट शेयर करी है बहुत ही भावुक वाली, जिस पोस्ट में उसने ये भी कहा है कि हम बहुत जल्दी इंडिया में अपना ऐप लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। तो भाई क्यों यार, अब क्यों मेहनत कर रहे हो भाई, नहीं आ रहा ना, मत करो मेहनत, हमें नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है। म्यूज़िक भाई, जो हमारा अगले अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग लॉन्च कर चुका है अपने नए हेडफोन U2 जो इंडिया में, जिसका प्राइस है 199 ओनली।
तो बहुत ओनली है और बहुत अमेजिंग से हैं। मैंने ट्राई करे एक बार, मेरे को अच्छे लगे। अगर आपको भी बाय करना है तो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे से बाय कर सकते हो। गाइस जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है वो आता है रियलमी की तरफ से, और रियलमी लेके आ चुका है अपनी एक्स सीरीज के कुछ और फ़ोन जिसका नाम है रियलमी एक्स और रियलमी एक्स प्रो। तो बहुत ही अमेजिंग फ़ोन है और बहुत अमेजिंग स्पेक्स अपने अपने साथ लेके आते हैं। 20 से 25 हज़ार के अंडर में ये फ़ोन, तो बहुत अच्छे फ़ोन है। 7 तारीख से इसका सेल चालू हो जाएगी फ्लिपकार्ट और इनकी वेबसाइट पे, तो आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अपडेट निकल के आता है वो आता है नोकिया की तरफ से, और नोकिया 10 फरवरी को लॉन्च करने वाला है नोकिया 5.4 और 3.4 इसके नए स्मार्टफोन। और नोकिया लेगा कौन पर यार, लॉन्च तो कर देंगे पर लेगा कौन, और लेगा भी तो ये थोड़ी ना कोई 10-15 हज़ार के फ़ोन लॉन्च करेंगे। ये तो है 30-40 वाले, और इनके 30-40 फ़ोन लेगा कौन, तो देखते हैं कि कितने फ़ोन बिक पाते हैं और क्या प्राइस रेंज पे हमें देगा। तो अगला अपडेट निकल के आता है सोनी की तरफ से, और सोनी के जो लिस्ट के हिसाब से 2020 में उसने सेल कर दिए कम से कम 4.5 मिलियन PS5, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा सोनी वालों को, वैसे तो ठीक ही है। बाकी सोनी का बहुत दिनों में तो एक प्रोडक्ट आता है, वो भी इतना चलना तो चाहिए ना, जब भी तो कंपनी चल रही है। हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट और आखिरी अपडेट जो निकल के आता है वो आता है 4G गेम को लेके। तो गाइस 4G गेम जो है अभी इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है फ्री गेम्स के मामले में, वो अब ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हो 4G को आराम से अपने फ़ोन में प्ले कर सकते हो। हमें तो बाकी इंडिया वालों को तो ये देखना है कि 4G में कब ये 5 vs 5 मोड और जो अलग अलग मोड से ये आते हैं और कब गन्स आती है, तो जैसे ही आएगी हम आपको उसकी भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए बस आपको सिंपली बेल नोटिफिकेशन दबाना पड़ेगी सब्सक्राइब करने के बाद, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रख रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहती है। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।